नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी अपने गैस कनेक्शन में फीड मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्द जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सही और आसान तरीका बताने वाला हूं। गूगल में माई LPG टाइप कर सर्च कर लें तो आपके सामने इस टाइप का एक पेज ओपन होगा, myLPG.in। इस लिंक को क्लिक कर लें। दोस्तों, यहाँ से आपको जिस कंपनी से आपने कनेक्शन लिया है वो कंपनी का नाम चूज कर लेना है, भारत से, HP से या इंडियन से। मेरा भारत से है तो मैं भारत से ओपन करूँगा। यहाँ से आपको अपडेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लॉगिन ऑप्शन शो हो रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे जो इजी ऑप्शन है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का है। आप भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा ही लॉगिन करें। अब आपने ये कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल कर कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे कंज्यूमर नेम शो हो रहा है। ये आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन विद OTP पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो होगा। जिस नंबर पे OTP पहुँचेगा तो आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों, OTP सेंड हो चुका है। जो OTP सेंड हुआ है वो आपको अपने मोबाइल से देखकर यहाँ पे फिल कर लेना है। अब प्रोसीड कर दें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके कनेक्शन संबंधित जानकारी ऐसा हो रही हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब आपने करना ये है, जो आपका ये न्यू मोबाइल नंबर ऑप्शन है इसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है इसे डिलीट कर लें, और जो आप ऐड करना चाहते हैं उसे टाइप कर लें। अब जनरेट OTP पे क्लिक करें तो आपने जो अभी नंबर ऐड किया है उस पर एक OTP पहुँचा हो, और जो OTP पहुँचा है उसको यहाँ पे दर्ज कर लें। अब आपको वेरीफाई अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप वेरीफाई अपडेट पर क्लिक करेंगे आपका कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत आसान है, आप अपने घर पे एंड्रॉइड फ़ोन से या लैपटॉप से भी कर सकते हैं।